अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे, इनको आप अवॉइड करें। साथ में भी बोल रहे हैं यहाँ। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई गल नहीं, तो दिल करे ओदा कर लियो। मैं कह रहा मार्च चलने तैयार थे, फिर मैं आज मेरा लास्ट व्लॉग है और आज ही मेरी दुनिया खत्म होने लगी थी। आज के बाद मैं कभी व्लॉग नहीं सुनना था, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं आने। ओके, तो ये बहुत हुआ, मैं कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम पर चली गई थी आज। इसी के साथ करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। जिस बर्न कुछ आरोप है और कुछ मेरे है, कल इसको निकालना। खैर हमने इसको निकाल लिया, लेते शाहरुख या फिर इस पे निकल जाए। यहाँ पर ही बैठ खाना, बेड पे मत खाना होना होता है। बीबी उठा हुआ है और क्या कर रहे? दूध गिराया हुआ है मम्मा, अनुज के ऊपर दूध गिराया हुआ है। हाँ, मैं अपने लिए खाना बनाने, उसके लिए मुझे चाहिए चिपोटले सॉस। ही डिपिट का इतना पसंद है, जब आप लोग को याद होगा मैंने फर्स्ट जॉब भी डिपिट पर ही की थी। टमाटो सॉस, टमाटो केचप सॉरी, और ये है मेयोनेज। मुझे दोनों इन तीनों को मिक्स करूंगी। इसमें सबसे अच्छा किरदार जो है ये नहीं पता इसका, चिपोटले सॉस। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं यू लाइक ऑर्डर, क्योंकि सबके टेस्ट पर जो है अलग होता है। मेरे टेस्ट पर को ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, तो मुझे बहुत पसंद है, इसकी क्रेविंग्स होती हैं। तो इसको मैंने सुबह नाश्ते में, और वैसे खाना तो दोपहर में चाहिए, तो मैं सुबह नाश्ते में इसको खाती हूँ। सॉस बनाया था वो मैंने लगा लिया है, ये देखिए यहाँ पर लगा लिया है। और अभी जो है इनके अंदर मैं ये सब चीज़ें ऐड करूँगी, फिर खाऊँगी इसको। अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। आप लोग बोला कि कैसा डिनर का जैसा ब्रेकफास्ट करती है। का दिन है, मैं नहाई हूँ और जो है मैंने व्हाइट कपड़े पहने, क्योंकि जुम्मे के दिन अगर व्हाइट कपड़े पहने तो और अच्छी वाइब आती है, अच्छा लगता काफ़ी। तो बस जल्दी से चलते हैं, मैं जा रही हूँ। बाय द वे मैं भी काम पर जा रही हूँ। मैं फेस पे सन ब्लॉक लगाया क्योंकि बाहर बहुत धूप है। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर रखी तुमने, उसमें ही था। अगर खैर छोड़ो ना अभी, और मैं अली को छोड़ूंगी। ये वैसे दूसरी शर्ट है, आप बोलोगे कपड़े पहना के घुमाती है, तो ये दूसरी शर्ट है जो कल पहनती वो देखा, उसके फुल स्लीव थे, इसके जो है हाफ है। कलर दोनों का सेम है, मुझे दोनों कलर मुझे बहुत अच्छे लगता है। तो बस अभी जो है मैं आ चुकी हूँ और वेट कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी लेट हूँ, तो अभी मुझे इधर सी बात है, मुझे भी वेट करना पड़ेगा। उन्हें तकरीबन 2 घंटे लेट आई हैं, तो अभी बस वो कुछ उनका कुछ काम वो कर रही हैं, फिर मैं बस जाऊँगी और फिर मैं लेफ्ट आऊँगी, दिन मैं घर जाऊँगी। मेरे हाथ का जो जख्म है ना, ये देखें इतनी कब ठीक होगा, मुझे इतना पेन होता है ना, मुझे लशेज लगाने में बहुत आज का प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। वहाँ से क्लाइंट करके मैं घर आई तो अली सो रहा था। जैनब ने बोला कि एक हमारी क्लाइंट है, उनको हम हफ्ते में 3 मरतबा लशेज लगाते हैं, तो बस वो आ रही है, उनके लशेज करूँगी फिर मैं घर जाऊँगी। वैसे मैं कह रही हूँ इनके लशेज का रिफिल है, थोड़ा सा ही है, उसे कर लूँ फिर हम जाएँगे अपने घर। अली के पास अली के पास ऐसे होकर आई हूँ, अली सो रहा था। अभी मेरे पास आ नहीं रहा, कह रहे मुझे उनके पास दादी के पास जाना है। क्यों जाना दादी के पास? घूमता जो है सारी चांदनी चौक सारी घूम के आया, चांदनी चौक घूम कर आया। घूम लेते हैं वो देखो क्या हुआ, सोएगा नींद आई। हेलो, आवाज नहीं निकल ली। अभी आ गई हूँ घर, आज मैंने किए 4 क्लाइंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह खुल जा करने के बाद कोर्स मैंने इतना दिमाग की, तो मैंने अपने लिया है माइलो और मैंने लिया अपने थोड़े से चिप्स, क्योंकि बस पैसे हैं तो मैं अपने एक चीज़ लूँगी। तो अभी था मेरा रेस्ट टाइम और मैं सोने ही लगी थी। कॉल आई अपा के 12:06 हो रहे, रो रही थी पता नहीं क्यों, सैड थी, कहते अकेला फिर हो रहा, तो मैं जा रही हूँ उनके पास, अकेली जा रही हूँ क्योंकि अली सो रहा है, फिर अली को कौन देखेगा। मेरा है गली में, जैसे पता नहीं मैं किसी और मुल्क में आ गई हूँ, बाहर वाले मुल्क की फीलिंग आ रही है। देखो अभी तक नहीं आई, अभी फेंक दो। यहाँ पे किसी ने लगता बारिश की है कपड़ों की और सॉरी कागजों की। अच्छा मैं आई थी तो उनको कुछ काम था अपने, कुछ अपनी चाबियाँ, मेरी अपनी चाबियाँ, चाबी चोर नहीं हूँ मैं, रात के इस टाइम बुला के चाबी चोर का इल्जाम लगा के घर भेज रही है। भाई आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी एक मैजिक, आज उठो अली, अली उठ के बैठो, शाबाश शाबाश शाबाश। ये ओ मैं बना लग तो गिर जाता है ये, तो भाई असल में हाँ ये पैर गिर गया, बैठता है ये, आप लोग को दिखाऊंगी कैसे बैठता है। अली बैठ के दिखाओ प्लीज। ये देखें तो ये ऐसे ना आजकल ना इसने बैठना शुरू किया, और मैं इसको ना जबरदस्ती थोड़ी थोड़ी सी देर ऐसे बिठा दूँ ताकि इसको थोड़ी आदत बने, और ये ना थोड़ी सी देर ना 2 सेकंड के लिए भी खड़ा भी हो सकता है, 2 नहीं 1 सेकंड कह सकते हैं। अभी देखें अब इसको पता नहीं है ना किसकी वीडियो बन रही है, अदरवाइज ये गिर जाता है बैठे बैठे ना खुद ये इस तरीके से डम। 6 महीने के 7 महीने के होने वाले हो, बैठना कब सीखोगे, कब सीखोगे बैठना, मम्मा को चल के कब दिखाओगे?
पता नहीं ये कब चलेगा, मेरे तो टाइम ही नहीं, मुझे ना ये भी क्रॉल करने लग गया, मुझे प्रॉपर क्रॉल नहीं करता लाइक जैसे बच्चे भाग रहे होते हैं, ये बस बेड पर ही नाच रहा होता है। इम्प्रूवमेंट लाओ बेबी, बेबी का पम 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 खड़ा भी हो जाता है। एक सेकंड चलो चलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको सेट होना पड़ता है फिर खड़ा ये एक सेकंड के लिए खड़ा हो जाता था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। एक सेकंड अली सेट हो जाते ना फिर खड़ा होता है ये। एक सेकंड अभी ना मुझे पता लगता है ना कि ये कहाँ पर इसका सेटअप हो रहा है नहीं हो रहा, तो फिर मैं इसको छोड़ती हूँ इसको। अली अली ये देखो, अली ये देखो नहीं खड़ा हो रहा, लेकिन आप लोगों ने देख रहे हैं खड़ा हो सकता है अभी, ये ना बहुत माशाल्लाह सही पिक करने लग गया है ये बात चीज़ों को। तो भाई अभी जो है नैना अंदर सो रही है और बेबी भी सो रहा है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा वैसे रोज़ सरप्राइज मिलते ही हैं नैना को, मैंने कहा आज जो है थोड़ा सा सरप्राइज मैं भी दे दूँ नैना को, और वो सरप्राइज़ किया कि भाई सारे घर की सफाई कर देता हूँ, और क्योंकि आज मैं सुबह बाइक पे डेली मतलब बाइक पे जा रहा हूँ, और तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो एक और सरप्राइज दे देते हैं नैना को। सामने जो है नैना सो रही है और बेबी भी सो रहा है, और यहाँ पर जो है भाई हमारे गुल्लू साहब का चिकन बॉयल हो रहा है, क्योंकि जो है इसको आजकल पता नहीं क्या हो गया है, 3 दिन से इसको बोलता है अभी मुझे चिकन दो, क्योंकि वो चीज़ इसको नहीं समझ आ रही है बिस्किट्स। तो मैं भी इसको मैंने बाइक से जो मैंने पैसे कमाए थे उसमें मैंने बोला गुल्लू के लिए चिकन भी मंगवा लेते हैं, उदास मत हो तुम्हारा चिकन बॉईल हो रहा है ठीक है। अगर तो अभी जो है ना भाई जो हमारे गुल्लू का है चिकन बॉईल हो चुका है सही तरीके से, इसको अभी हम लोग ठंडा होने के लिए रख देते हैं किसी पंखे पे, क्योंकि अभी जो है मैं यहाँ पे सारी सफाई कर रहा हूँ, तो दोनों पंखे बंद है कमरों के, इस कमरे का पंखा ऑन है जहाँ पे नैना सो रही है, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो आज नैना के लिए एक नहीं दो दो सरप्राइज होने वाले हैं, वो क्या है कि फर्स्ट जो है मैं सारे घर की सफाई करने वाला हूँ, और सेकंड जो है मतलब वो सरप्राइज़ मतलब नैना के लिए भी हो सकता है आप सबके लिए भी हो सकता है, कि नैना का जो व्लॉग है आज वो नहीं था तो उसको अब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो नैना मुझे माफ़ कर देना सही है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा सही, क्योंकि जो नैना के जो व्यूअर्स हैं वो उसको वेट करते हैं इस चीज़ का उसके व्लॉग का, तो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। और बेचारा नींद सूखी हो, शाहरुख ने सारा सफाई की, थैंक यू सो मच शाहरुख, बिल्कुल सही था, बस सुबह से जाग जो ना लेकिन लिख सो नहीं रहा था, तो फिर वैसा रहता था। तो बस इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड, आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग नहीं डालूंगी आज, बना ही नहीं, अली ना अभी जैसा बड़ा होता जा रहा है तो उसके ना मतलब वो शरारती हो जा रहा है और ज़्यादा जागने लग गया है, तो मतलब उसमें ना मेरी नींद पूरी नहीं होती और मतलब घर की चीज़ें हर चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही। अभी तबीयत तो ठीक हो गई, बस मेरे बैक में जो दर्द है ना, कमर में जो दर्द है ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो उस वजह से ना बस मैं थोड़ी सी लेज़ी हो गई हूँ, बट ठीक हो जाऊँगी इंशाल्लाह। मेरे लिए दुआ करेगा और मैं आप लोग के लिए दुआ करूँगी, अगर हम सब के लिए आसानी करें। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफ़िज़।